श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दर्शकों, यह एक छोटी सी कहानी है शिव भक्त चिड़िया की, भगवान शिव और चिड़िया की। एक चिड़िया जंगल में एक पेड़ पर रहती थी। जंगल बिल्कुल सूखा हुआ था, ना घास, ना पेड़, ना फूल, ना फल। जिस वृक्ष पर चिड़िया रहती थी उस पर भी सिर्फ सूखी टहनियाँ थी, पत्ते भी नहीं थे। चिड़िया वहीं रहकर हर समय भगवान शंकर का जाप और गुणगान करती रहती थी। एक बार नारद जी जंगल से होकर जा रहे थे, चिड़िया ने देख लिया, तुरंत आकर बोली, नारद जी आप कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने कहा, मैं भगवान शंकर जी के पास जा रहा हूँ। चिड़िया ने कहा, भगवान शंकर मेरा बड़ा ध्यान रखते हैं, मेरे सूखे जंगल के बारे में उन्हें पता नहीं है शायद। कृपया उनसे कह दीजिएगा मेरे जंगल को हरा भरा कर दे। नारद जी शंकर जी के पास जाकर चिड़िया के जंगल की बात सुनाई। नारद की कई बार कहने पर भी भगवान शंकर जी ने कहा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। नारद जी, चिड़िया के भाग्य में 7 जन्म ऐसे ही सूखे जंगल में रहना लिखा हुआ है। नारद कुछ बोले नहीं। कुछ समय बाद नारद जी फिर वहां से निकले तो देखा जंगल बिल्कुल बदला हुआ था। जंगल हरा भरा, हरी घास, फूल, पत्तियां, फल से लदे हुए वृक्ष थे। चिड़िया का पेड़ फूलों और फलों से लदा हुआ था। चिड़िया भी प्रेम मग्न होकर पेड़ पर नाच रही थी। नारद जी ने सोचा, भगवान शंकर जी ने मुझसे झूठ बोला। नारद जी ने भगवान शंकर जी से जंगल के हरे भरे तथा चिड़िया के बारे में पूछा तो भगवान शंकर ने कहा कि मैंने चिड़िया को कभी कुछ नहीं दिया, फिर भी मेरा गुणगान करती रहती है। उसकी भक्ति, विश्वास और प्रेम की वजह से मुझे 7 जन्म काटकर सब चिड़िया को देना पड़ा। ऐसे दयालु है हमारे भोलेनाथ। दर्शकों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, भक्ति में शक्ति होती है। अगर आप अपने आराध्य के प्रति समर्पित है तो आपको कोई काम रोक नहीं सकता। यहाँ तक कि भाग्य में खराब लिखा है तो वह भी अच्छा हो जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, आपको वीडियोस पसंद आए, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे कि मेरा जब भी कोई नया वीडियो आएगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। धन्यवाद दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।